नमस्कार, बिहार संवाददाता देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी। पटना हाईकोर्ट ने नियोजित शिक्षकों को बड़ा झटका दिया है। अब बिहार में 1,70,000 से ज्यादा शिक्षकों की नियुक्ति के लिए होने वाली परीक्षा अपने तय समय पर ही होगी। बता दें, शिक्षक बहाली के खिलाफ पटना हाईकोर्ट में दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने परीक्षा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। हाईकोर्ट के इनकार के बाद अब ये साफ हो गया है कि बीपीएससी द्वारा 1,70,000 शिक्षकों की भर्ती परीक्षा अपने नियत समय पर ही यानी अगस्त में ही होगी। पटना हाईकोर्ट में मंगलवार को मुख्य न्यायाधीश के विनोद चंद्रन और जस्टिस पार्थ सारथी की बेंच में राज्य सरकार द्वारा बनाई गई शिक्षक नियुक्ति नियमावली को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई हुई। इस मामले में सुबोध कुमार और दूसरे लोगों की ओर से दायर जनहित याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने परीक्षा रोकने की मांग को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि वह इस मामले की सुनवाई जारी रखेगी। अगली सुनवाई के लिए 26 अगस्त की तारीख तय की गई है। कोर्ट में याचिका दायर करने वालों के वकील ने अपनी दलील देते हुए कहा कि राज्य सरकार ने शिक्षकों की बहाली की जो नई प्रक्रिया शुरू की है वह समानता के सिद्धांत के खिलाफ है, इसलिए इसे तत्काल प्रभाव से रोकने का निर्देश राज्य सरकार को दिया जाए। उन्होंने कोर्ट में कहा कि साल 2023 में राज्य सरकार ने नई शिक्षक नियुक्ति नियमावली बनाई है। इसके तहत 2006 से 2023 तक बहाल शिक्षकों को परीक्षा में शामिल होना होगा। नई नियमावली के मुताबिक बीपीएससी द्वारा ली जा रही परीक्षा में जो शिक्षक पास होंगे उन्हें सरकारी सेवक का दर्जा मिलेगा, लेकिन जो शिक्षक 2006 से कार्यरत हैं उन्हें सरकारी सेवक होने का लाभ नहीं मिलेगा। वहीं राज्य सरकार की ओर से दलील देने के लिए सुप्रीम कोर्ट के वरीय अधिवक्ता को बुलाया गया था। उन्होंने दलील दी कि नई नियमावली पर पूरी तरह कानून सम्मत है और शिक्षकों के हित में है, इसीलिए इसमें कोर्ट को हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है। हाईकोर्ट की बेंच ने राज्य सरकार की ओर से दी गई दलील को स्वीकारते हुए इस मामले में किसी भी तरह का स्थगन आदेश देने से इनकार कर दिया। आपके इस वीडियो पे क्या राय है हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहें बिहार संवाददाता।